राजस्थान के 16वीं विधानसभा के पहले सत्र का पहला दिन कई मायनों में खास रहा। सबसे खास रहा नव निर्वाचित विधायकों का संस्कृत भाषा में पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करना। संस्कृत भाषा में शपथ लेने वाले विधायकों में दो मुस्लिम समुदाय से आने वाले जन प्रतिनिधि भी शामिल रहे। कुल 16 नव निर्वाचित विधायकों ने संस्कृत भाषा में शपथ ली। डिडवाना विधानसभा सीट से इस बार बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे यूनुस खान ने संस्कृत भाषा में शपथ लेकर सभी को चौंका दिया। इसी तरह से अलवर के रामगढ़ से जीत कर आए कांग्रेस विधायक जुबेर खान ने भी संस्कृत में शपथ ग्रहण की। अहम यूनुस खान यह विधानसभा या सदस्य है निर्वाचितो अस्मि ईश्वरम सप्तेयत अहम विधि द्वारा स्थापितम भारतस्य संविधानम प्रति सत्य श्रद्धाम निष्ठाच रक्षिष्यामि अहम भारतस्य प्रभुताम अखंडताम च अक्षुणाम रक्षिष्यामि यत पदम च अहम गृह्णामि तस्य कर्तव्यानाम सदापूर्वकम निर्वहणम करिष्यामि। अहम जुबैर खान ये विधानसभा या सदस्य निर्वाचितो अस्मि ईश्वर सपते अहम विधि द्वारा स्थापित भारत से संविधान प्रति सत्य श्रद्धा निष्ठा च रक्षिष्यामि। अहम भारत से प्रभुताम अखंडता च अक्षुणा रक्षस्यामि यते पद च अहम गृह्णामि तस्य कर्यत कर्तव्याना श्रद्धापूर्वक निर्वहन करिष्यामि। महंत प्रताप पुरी पोकरण से, गोपाल शर्मा सिविल लाइंस जयपुर, बब्बाराम बिश्नोई फलौदी से, वासुदेव देवनानी अजमेर उत्तर, उदयलाल भंडाना मांडल, नोक्षम चौधरी कामा, बाल मुकुंद आचार्य हवा महल जयपुर से, बाबू सिंह राठौड़ शेरगढ़ सीट से, छगन सिंह राजपुरोहित आहोर सीट से, जोगेश्वर गर्ग जालोर सीट से, कैलाश चंद्र मीणा गढ़ी सीट से, जेठानंद व्यास बीकानेर पश्चिम सीट से, जोराराम कुमावत सुमेरपुर सीट से, दीप्ति किरण माहेश्वरी राजसमंद सीट से। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में संभवतः ये पहली बार था जब किसी अल्पसंख्यक विधायक ने संस्कृत भाषा में अपने पद पर शपथ ली हो। यही कारण रहा यूनुस खान और जुबेर के इस अंदाज को सदन में मौजूद अन्य विधायकों ने अपनी मेज थपथपा कर सराहा।